हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मेराज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सेमी ऑटोमेटिक सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन होती है उसकी डाई में क्या अंतर होता है और जो फुली ऑटोमेटिक बाइंडिंग मशीन होती है उसकी डाई में क्या अंतर होता है। सेमी ऑटोमेटिक सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन वो होती है जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं, 99% लोग उसी को यूज करते हैं, और फुली ऑटोमेटिक मशीन यानी कि CNC सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन जो होती है वो मोस्टली कंपनी में ही यूज की जाती है। यानी कि जो सीलिंग फैन मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है वही CNC मशीन को यूज करती है। तो ये हमारे पास एक सेमी ऑटोमेटिक सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन की डाई जो कि हम यूज करते हैं, तो उसकी डाई कुछ इस तरह की होती है। इसको हम फिक्स कर देते हैं मशीन के अंदर। तो इस डाई से जब हम सीलिंग फैन की बाइंडिंग करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो कॉइल होती है पंखे की, तो उसकी कॉइल हल्की सी गोल आती है। लेकिन ये जो डाई है वो उमंग कंपनी की है, उमंग बधानी कंपनी की है, फिर भी इसमें काफी इसको इस तरह से मेजर किया गया, बनाया गया है, फिर भी इसकी कॉइल थोड़ी चकोर आती है, लेकिन फिर भी गोल आई तो आती ही है क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये चार डाई है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन की डाई यानी कि CNC सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन की डाई। इसके अंदर खासियत क्या होती है कि इसकी कॉइल जो होती है बिल्कुल चौकोर आती है। जैसे कि आपने नए पंखे देखे होंगे कंपनी के, तो इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने इसकी जो बाइंडिंग की, इससे हम बाइंडिंग करते हैं, इस तरह से कॉइल बाइंडिंग होती रहती है, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन हमारी जो CNC मशीन की जो डाई होती है उसके अंदर क्या होता है, वैसे तो ये अलग अलग पंखे की डाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक डाई है, CNC मशीन की डाई है, इसको हमने मशीन के अंदर इस तरह से फिक्स कर दिया। और उसके बाद जब पंखे की बाइंडिंग होती है, पंखा एक जगह स्टेबल रहता है, इस तरह से लगा हुआ होता है, किसी में इस तरह से भी लगा हुआ होता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग टेक्निक यूज की जाती है, लेकिन इसकी खासियत यही होती है कि पंखा एक जगह स्टेबल है, डाई एक जगह स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर जो इसके अंदर इक्विपमेंट लगा है, तो जब पंखे के अंदर कॉइल पड़ती है तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये इस तरह से लेयर बाई लेयर तार यहाँ पर इस तरह से चलता है, लेकिन ये जो है इस तरह से तार को आगे पीछे करता है, जिस तरह से हम ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग करते हैं लेयर बाई लेयर, उसी तरह से ये वाला जो पार्ट है ये तार को अंदर बाहर करके लेकर के आता है। और इस डाई की वजह से इसका इस तरह से मेजर किया जाता है कि कॉइल एकदम चौकोर आए। तो ये एक स्पेशल डाई होती है, सिर्फ CNC मशीन के अंदर ही यूज की जाती है। तो ये डाई भी उमंग इलेक्ट्रिकल कंपनी में ही बनाई जाती है यानी कि उमंग बधानी कंपनी में। लेकिन ये जो डाई होती है हम नॉर्मल मशीन में यूज नहीं कर सकते, यानी कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये हमारी CNC सीलिंग फैन बाइंडिंग मशीन के अंदर डाई लगती है जो कि कंपनी के अंदर यूज की जाती है, जहां पर पंखे बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, ये हम नॉर्मली सभी लोग यूज करते हैं। इसके अंदर हमें कॉइल को, ये जब एक कॉइल पड़ जाती है तो हमें कॉइल को चेंज करना पड़ता है। लेकिन CNC मशीन के अंदर क्या होता है, जब एक कॉइल पड़ जाती है उसके बाद पंखा ऑटोमेटिक ही अगली कॉइल पर रोटेट हो जाता है, और जब पंखे की पूरी बाइंडिंग तैयार हो जाती है उसके बाद हमें उसको निकालना पड़ता है। उससे पहले हमें उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसमें सेट कर देते हैं। ये मशीन थोड़ी कॉस्टली आती है, डाई भी इसकी कॉस्टली ही आती है। अगर आप इस डाई में से किसी डाई को परचेस करना चाहते हैं या फिर आप उमंग कंपनी की मशीन को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।